तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो ये टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर गया हूँ, ये हमारा जो टॉपिक है ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के जो हमारे स्टूडेंट जो सीख गए हुए हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में निरंतर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आज के तौर पर देखा जाए मोबाइल फोन ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिस आदमी के हाथ में मोबाइल फोन ना हो। सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है। और ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग का जो हम लोगों ने काम सीखा है, या हम लोगों ने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का बिजनेस किया हुआ है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग में लाइन काम कर रहे हैं, इस लाइन में से हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे जैसे बहुत ऐसे हैं जो हमारे मोबाइल फोन स्टूडेंट की शॉप है, अपनी दुकान चला रहे हैं, या बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग मोबाइल फोन में सेल्फ मतलब अपना घर से ही काम कर रहे हैं, या मोबाइल फोन लाइन में किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी के अंडरटेकिंग काम कर रहे हैं। अगर जितने भी सारे ऐसे लोग हैं तो सब लोगों का एक ही मकसद है, या सबका एक ही टारगेट है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग। आप लोगों को दोस्तों, मैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं इस लाइन में काफ़ी 17-18 साल से, 19 साल हो गए मुझे इस लाइन में काम करते करते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं या हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को सफल होते हुए देखा है, फेल होते हुए देखा है। फेल होने के बाद उन लोगों ने मोबाइल फ़ोन के काम को बंद किया, काम को बंद करने के बाद फिर से दोबारा काम स्टार्ट किया, और आज फिर अच्छी तरीके से काम कर पा रहे हैं, या अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, या 8-10 साल, 7 साल, 12 साल हो गया, फिर भी वो किसी के अंडरटेकिंग काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या, ऐसा क्या चीज ऐसी होती जा रही है जो हम लोग निरंतर वे में नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सब लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग में कोशिश यही रखते हैं कि हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग में अच्छा काम करें, मोबाइल फोन सारे मोबाइल फोन को ठीक करके दें, या मोबाइल फोन की अपने जो आगे जो लाइन है, जिस लाइन में निरंतर काम कर रहे हैं, तो सारे फॉल्ट चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, सभी प्रॉब्लम हमारे ठीक होते रहे। दोस्तों ये सब चीज अच्छा हो, सब चीज अच्छा हो, ये 100% बात सही है, लेकिन दोस्तों हमारे अंदर एक क्वालिटी और इनहेंस करनी पड़ेगी, एक क्वालिटी को अपने अंदर और पैदा करना पड़ेगा। वो है, सबसे बड़ा माध्यम है वो है मीडिया का। आपको दोस्तों मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप किसी छोटी जगह जा करके दब के बैठ जाते हो, छुप के बैठ जाते हो, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में, या मोबाइल फोन की मीडिया का मतलब समझते हो दोस्तों, बिजनेस। अगर आप मोबाइल फोन के रिपेयरिंग के लाइन में काम कर रहे हो ना, तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का बिजनेस कर रहे हो, मोबाइल फोन का व्यापार, मोबाइल फोन का व्यापार। अब मोबाइल फोन का जो व्यापार है वो किससे चलता है, मीडिया से। क्यों? क्योंकि किसी ने सही कहा है, व्यापार बराबर प्रचार। आपका व्यापार तभी सफल होगा जब आपका प्रचार सफल होगा। अगर दोस्तों आपका प्रचार अच्छा नहीं है, आपको लोग नहीं जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कैसे बोलेंगे कि हमको सहनसा से मोबाइल फोन ठीक कराना है। सहनसा तो बहुत अच्छा मोबाइल फोन रिपेयर करता है, लेकिन सहनसा से क्यों ठीक कराएं? या बहुत ऐसे लोग हैं जो सहनसा को जानते ही नहीं है कि सहनसा बहुत अच्छा मोबाइल फोन ठीक करता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अजीत को जानते ही नहीं कि अजीत बहुत अच्छा मोबाइल फोन रिपेयर करता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो सुरेश को जानता ही नहीं है, अमित को जानता ही नहीं है, राहुल को जानता ही नहीं है। क्यों नहीं जानता? इसीलिए नहीं जानता, वो आशीष है, आशीष बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बस
उसको लोग जानते नहीं। आपके पास दोस्तों कभी भी कोई भी मोबाइल फोन लेकर के आते हैं, वो वही लोग लेकर के आते हैं जो आपको जानते हैं। अगर आपको नहीं जानते तो जाहिर सी बात है वो आपके पास मोबाइल फोन लेकर के नहीं आएंगे, और बाद में 6 महीने साल बर्बाद मिलेंगे कि यार ये देखो मैंने मोबाइल फोन में काम वो डलवाया था, सही चल ही नहीं रहा। तुम भी तो मोबाइल फोन का काम करते हो क्या? हाँ यार मैं भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करता हूँ। कहाँ थे काम वो डलवाया था? 800 रुपए का काम वो डलवा के लाया था। अरे 800 डलवाए थे, हमसे डलवा लेते 650 में डाल देते। अब आज की रेट में वो काम वो 450 रुपए का ही है, आपको भी 150 रुपए बचता, उसको भी 100-150 रुपए का फायदा। किसी अनजान आदमी से काम करवाया है, क्यों करवाया है? क्योंकि तुमको जानता ही नहीं। अब मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, उन लोगों स्टूडेंट को देखा हुआ है या उसको मैं ये वीडियो में लिख इसलिए लेकर के आया हूँ। ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो लोगों का थोड़ा सा काम कम चल रहा है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग लाइन में अपना बैठ करके पूरा दिन देते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, मोबाइल फोन में रील देखते रहते हैं, मोबाइल फोन में काम करते रहते हैं, समय पास करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों एक छोटा सा काम नहीं सीख पा रहे हैं, ये छोटा सा काम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो लोग घर घर तक पहुंच जाएं। अगर आज देखोगे आज अगर चुनाव है तो मोदी जी को जीतना है तो मोदी जी भी कानपुर के अंदर रोड शो करते घूम रहे हैं। काहे को रोड शो कर रहे हैं? मोदी जी का रोड शो करने से क्या फायदा? अगर उनको न जीतना हो तो इससे पहले तो नहीं आए हो, अब आए क्यों आए? राहुल गांधी मेरे पीछे से निकल गए, क्यों निकल गए? क्योंकि उनको जीतना है। अगर उनको जीतना है तो तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे, और जैसे ही तुमने वोट दे दिया तो तुम हाथ जोड़ोगे। तो इसलिए क्या है कि अब वो क्यों हमारे पास आ रहे हैं? वो अपना प्रचार कर रहे हैं सर। तो मैं सर आप लोगों से ये सलाह देना चाहता हूँ, मैं आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज ये सिखाना चाहता हूँ कि सर जितने भी सारे हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं, जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में जुड़े हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काम कर रहे हैं, तो वो दो काम बहुत अच्छे से करें। पहली बात, अपनी अपने आप को अपडेट रखें, अच्छा टिंच रखें। दूसरी चीज, अपनी शॉप को साफ सुथरा रखें, क्योंकि आपको पूरा दिन वहां पर रहना है। तीसरी चीज क्या है, आप पूरे दिन के अंदर ऐसा काम एक जरूर करें कि जिससे लोग ये जाने कि ये भाई फलाने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करते हैं। क्योंकि आजकल के दौर पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया का मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सोशल मीडिया से ना जुड़ा हो, बताओ कोई ऐसा आदमी है? कोई आदमी नहीं है, सब आदमी सोशल मीडिया पे जुड़े हैं। आदमी पूरा दिन के अंदर कहाँ क्या हो रहा है ये सारी बातें न्यूज में नहीं देखने जाता, सब यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम इसमें देख रहा है। तो वो कौन सा आदमी देख रहा है? कोई आदमी टीवी चलाने वाला तो यार इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चला रहा है, यूट्यूब नहीं चला रहा है, कंप्यूटर वाला तो इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब नहीं चला रहा है। मोबाइल फोन में 90% 100 में से 90% ऑडियंस जो है आज की डेट में मोबाइल फोन में एंगेज है। और तुम काहे के डॉक्टर हो? तुम मोबाइल फोन के ही डॉक्टर हो, तुम मोबाइल फोन रिपेयरिंग के डॉक्टर बैठे हो, लेकिन सारा आदमी तुम्हारे में एंगेज है, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ एंगेज हो, तुमको पता ही नहीं। तो दोस्तों ये मैं वीडियो में उन स्टूडेंट के लेकर के आया हूँ जो लोग अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग को सफल करना चाहते हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं। मैं आपके बिजनेस, आपके काम करने के तरीके को, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए मैं वीडियो लेकर गया हूँ। ये हमारी वीडियो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है कि वो लोग इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख सकें। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो मेरा बनाने का यही पर्पज होता है कि एक टीचर का यही फर्ज होता है, एक अच्छे जो लोग हैं, जो लोग हम अपने बच्चों को सिखा के भेज रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी एक छोटी सी पहल हो जाए, उस छोटी सी पहल की वजह से हमारे बच्चे को एक ऐसी चीज सीखने को मिले। क्योंकि दोस्तों कहते नहीं है कि जो चीजें होती हैं वो दुनिया जान में 2-3 लोग ही सिखाते हैं, या तो इसके दोस्त यार सिखाते हैं, भाई बहन सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं, या गुरु उस्ताद होते हैं वो सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपके लाइफ में, आपके जीवन के लिए अगर मेरा दर्जा उसके लिए मिला हुआ है, तो हम भी आपके लिए एक ऐसी पहल करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ प्रचार की चीजें हैं, कुछ बिजनेस की चीजें हैं वो हम आपको सिखाएं। ये हमारे मोबाइल फोन रिपेयरिंग के कोर्स में नहीं आता, लेकिन दोस्तों हम आपको सिखाना जरूर चाहते हैं, क्योंकि हमारा सिखाने का सबसे बड़ा मतलब यही है, हमारा सिखाने का मकसद यही है कि हमारा स्टूडेंट
कहीं भी वो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, किसी कोने में बैठा ना रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा सहनशाह अगर एक कोने में बैठ करके मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहा है, तो उसकी वीडियो को देख करके लोग ये बोलें कि यार तुम यार मोबाइल फोन में आईसी भी लगा लेते हो क्या, मेरा एक फोन है साला आईसी की वजह से खराब है यार, उसको तुम ठीक कर दोगे क्या? तो तुम उसको क्या बोलोगे, ले आओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक कर देंगे। और जब आपने उस लेवल का काम सीख रखा है, उस लेवल का काम कर रहे हो, तो आपके पास कस्टमर तो छोड़ो, आपके जानने वाले, आपके रिलेटिव वाले, रिलेटिव के रिलेटिव वाले, वो सारे लोग आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि आप मोबाइल फोन के क्या हो, मोबाइल फोन के डॉक्टर। मोबाइल फोन ऐसा चीज है जो हर एक आदमी में, आदमी रिक्शा चलाने वाला है या फोर व्हीलर से, टू व्हीलर, बाइक, किसी से चलने वाला हो, सब चीजों से ये मोबाइल फोन उसके अंदर है। तो मैं आपको दोस्तों क्या सिखाने वाला हूँ, मोबाइल फोन में हम लोग प्रचार करना कैसे सीखें, और अपना सेल्फ का प्रचार, सोशल मीडिया में हम लोग सेल्फ काम कैसे करें। हम लोग सोशल मीडिया में जब तक सेल्फ नहीं काम कर पाएंगे, तो हम लोग अपने आप को 100 लोगों को नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर कहते नहीं है, एक विधायक है, एक सांसद है, अगर उसको भी जीतना है ना, तो वो समाज में उसको उतरना पड़ता है, बड़ा नीचे उतरना पड़ता है, लोगों के पैर छूने पड़ते हैं, लोगों से हाथ जोड़ने पड़ते हैं। क्यों जोड़ने पड़ते हैं? लोगों से जुड़ने के लिए। हम लोग सर हाथ पैर नहीं जोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही सलाह दे रहा हूं कि आप सिर्फ अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करो। एक लाइफ बॉय साबुन होता है, वो भी अपने आप को दुनिया जान में प्रेजेंट करता है कि भैया मैं बहुत अच्छा, मुझे लगा लो, साफ सुथरा हो जाओगे। तो उसी तरीके से आप भी अपने आप को प्रेजेंट करो कि मैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करता हूँ, मोबाइल फोन का एक बेहतर टेक्नीशियन हूँ, अगर आपका कोई भी फोन खराब हो तो आप मेरे पास आए। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, मैं आपको सोशल की कुछ चीजें ऐसी है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर उस सोशल के माध्यम से अगर आप उन चीजों को सीख जाएंगे, तो सीखने के माध्यम से आपको काफी चीजें हेल्प मिलेंगे। सबसे पहली बात, आजकल के अगर तौर पर देखा जाए तो सोशल में जितने भी सारे लोग हैं, ज्यादातर 90% जो मोबाइल फोन के यूजर हैं, वो 90% मोबाइल फोन के यूजर ये तुम्हारे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, या ट्विटर है, या और भी बहुत सारी ऐसी सोशल की जो चीजें होती हैं, उन सारी चीजों पर, सोशल की सारी चीजों पर एक्टिव है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो क्या इनके बिना इंटरनेट पूरा है? आप बताइए। अगर मैं कहता हूं अगर आप इंटरनेट चलाओ, और इंटरनेट चलाने के बाद ये पांच चीजें बंद हो जाएं, और खूब इंटरनेट चलेगा, मैं आपको बता दूं साला एक आदमी मोबाइल फोन में रिचार्ज नहीं करवाएगा, सिर्फ इनको चलाने के लिए करता है। किसको चलता है? इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, गूगल, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें दोस्तों, मेरा ये बताने का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख के गया हुआ है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काम कर रहा है, या मोबाइल फोन के लाइन के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो मैं चाहता हूं कि वो भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब चीजों के बारे में सीखे। क्या आप नहीं चाहते कि आपके एरिया में कोई भी आदमी जब मोबाइल फोन खराब होता है तो गूगल में सर्च करता है कि मुझे मोबाइल फोन ठीक कराना है, मेरे मोबाइल फोन में डिस्प्ले टूट गई है, कहाँ से सस्ते में डिस्प्ले डलवाएं? तो गूगल कैसे बताएगा कि वो आपके दुकान में आया, और कैसे है? बोलेगा कि आपसे ही मोबाइल फोन ठीक कराए, कैसे बोलेगा? ये गूगल किसी को जानता है? गूगल किसी का रिश्तेदार है? गूगल किसी के चाचा है? कुछ नहीं है, सिर्फ वो क्या है, हम ही अपनी चीजों को बताते हैं। भाई हम कैसे बताते हैं कि हनुमान जी के हाथ में गदा है? वो तो हमको लोगों ने बताया, तो हम आगे बताते हैं, तो इसलिए बताते हैं गदा है तो हनुमान जी। तो उसी तरीके से ये सोशल की चीजें होती हैं, ये सोशल की चीजें आपको आनी चाहिए। ये मैं आपको, मेरा ये वीडियो ये लेकर के आने का यही मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट है वो अपने एरिया में जहां भी काम करे, अपने लोकल में लोग उसको जाने, लोग गूगल में सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें, फेसबुक में सर्च करें, इंस्टा में सर्च करें, इन किसी भी चीजों में जब आप सर्च करेंगे, तो सर्च करने के माध्यम से लोग इसे ये जाने कि भाई ये आदमी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करता है। क्योंकि मोबाइल फोन रिपेयरिंग हम लोग काम करने वाले हैं, तो इतना बात तो हम यार समझते ही हैं कि हम घर यार गली गली तो नहीं जा सकते,
लेकिन यार इंटरनेट आज गली गली पहुंच गया है, और मोबाइल फोन में पहुंच गया है, जिस चीज को हम ठीक करने वाले हैं उसी चीज में पहुंच गया है। तो फिर क्यों ना यार हम लोग भी उस चीज को पकड़ें, और उस चीज को पकड़ने के बाद उसमें अच्छी तरीके से काम करें, और हम लोग मोबाइल फोन अपने रिपेयरिंग बिजनेस का प्रचार करें, लोगों पर जुड़े, लोगों को तरीके को सीखें, तौर तरीके सीखें, ये सारी चीजें, इन सब टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर गया हूँ। अच्छा, ये जितनी भी सारी वीडियो हैं, इन सारी वीडियो पे मेरे को भी इस लाइन में कोई नॉलेज नहीं था, मैं भी इस लाइन में फिलहाल जीरो था, क्योंकि मैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग में तो 18-19 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन इन सब चीजों के बारे में मैंने भी एक जगह से सीखा हुआ है, और वो सीखने का मेरा सिर्फ एक ही अभिप्राय है, मेरा सीखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं अपने स्टूडेंट की कैसी ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को कैसे बढ़ा सकता हूँ, या मैं अपने स्टूडेंट को के माध्यम से लोग हमारे बच्चे के पास ही मोबाइल फोन ठीक कराने आए। क्योंकि दोस्त इतना बात तो आप समझते हो कि जब आपको कोई परेशानी होती है तो आप कहीं से भी जा करके किसी चीज़ को ले लेते हो, ऐसा इसलिए ले लेते हो क्योंकि आप उसके बारे में या तो जानते हो, या तो आपको जरूरी है, या तो मजबूरी है, या तो आप उसको जानते हो। तो हमारा क्या मतलब है कि हम अगर जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा लोग है, जो हमारे जानने वाले हैं, या जो इस लाइन में आना चाहते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काम करना चाहते हैं, तो वो इन सब चीजों के बारे में जाने, क्योंकि सोशल में, इंटरनेट में यही सारी चीजें। अगर इंटरनेट, मैं कहता हूँ मेरा मोबाइल फोन का इंटरनेट बंद हो जाए, हमको रिचार्ज ना कराना पड़े, बस हमारी ये सारी चीजें चलती रहें, तो मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यही चीजों में, इसमें व्हाट्सएप भी आता है, सॉरी मैंने आपको लोगों को जिक्र नहीं किया है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सब का मतलब है इंटरनेट है। तो हमारा दोस्तों, हमारे स्टूडेंट को सीखने को मिले, उसमें से मैं स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, या बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एक छोटा सा लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैंने एक लोगों से हेल्प ली है, इनसे सीखा हुआ है, जो महात्मा जी टेक्निकल करके हैं, ये लोग मोबाइल फोन से संबंधित जितने भी सारे ऐसी चीज होती हैं जो सोशल के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, मेरा ये मतलब नहीं कि आप जाकर के सोशल के बारे में ट्रेनिंग ले लीजिए, सोशल के बारे में सीख लीजिए, मेरा सिर्फ आपका बताने का यही अभिप्राय है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट के पास कोई इतना पैसा या इतना कोई चीज नहीं होता, वो अपना प्रचार, अपना बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट, अपने के बारे में, अपनी चीजों के बारे में खुद लोगों को प्रेजेंट कर सकता है। तो आप चाहें तो मैं जो ये वीडियो लेकर के आया हूँ, इस वीडियो के ऊपर मैं कम से कम 15 से 20 वीडियो लेकर के आया हूँ। अच्छा, ये सारी वीडियो मेरा लाने का यही पर्पस है कि हम चाहते हैं कि हम आपको बिजनेस करने का तरीका सिखाएं, क्योंकि मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम मैंने आपको बहुत अच्छा सिखा दिया, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर लोग आपको नहीं जाने और आपके पास मोबाइल फोन रिपेयर कराने नहीं आते, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी फेल होते हो, मैं भी फेल होता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी पहल है, आप अपने आप में कीजिए, ये सब मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं, ये सब मोबाइल फोन में ही चलता है। तो दोस्तों मैं आपको मोबाइल फोन के बारे में, सोशल मीडिया के जितनी सारी चीजें होती हैं, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके मैं सिखाऊंगा, जिसमें से यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, गूगल है, व्हाट्सएप है, इनके माध्यम से आप एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बिजनेस का प्रचार कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप वीडियो होगी, आप वीडियो को वॉच करें, ये वीडियो हमारे वो स्टूडेंट भी वॉच करें जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख के जा चुके हैं, उनको इस लाइन के बारे में नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ अपने ही एक अच्छा सेल्फी फोटो खींच करके एक बहुत अच्छा वीडियो बना करके डाल देते हैं, और वीडियो डालने के बाद लोग उनको देखते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे आजकल नाचने गाने का भी काम चालू कर दिया है, लेकिन आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं तो अपने बिजनेस को एक सकारात्मक तरीके से लेकर के आगे बढ़ें, और हम अपनी चीज को प्रेजेंट करें, हम अपनी चीज को दिखाएं कि भैया हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं, हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, तो जब आपको देखेंगे तो आपके पास लोग काम लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के माध्यम से जो चीज है आप सीखें, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में सिखा सकूं, जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स है जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ या सिखा रहा हूँ या लगातार मैं आपको सिखाता रहूंगा, लेकिन ये मेरा लाने का यही मकसद है कि हम चाहते हैं कि आपको अपने मीडिया से संबंधित, सोशल मीडिया संबंधित जो सब चीज़ों को सिखा सकें, क्योंकि आप पूरे दिन व्हाट्सएप चलाते हैं, पूरा दिन फेसबुक चलाते हैं, पूरे दिन यूट्यूब चलाते हैं, तो उसमें से कहीं ना कहीं आपको भी तो आना चाहिए ना, कि जब दुनिया उसी में बैठी तो तुम भी यार उसी में बैठो।
तो आगे सफल होना है कि नहीं सफल होना, तो सफल होना है तो दोस्तों ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और आपके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे और इन सब चीज़ों को सीखेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए मैं एक प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इन सारी वीडियो को लेकर आप उस वीडियो को एक साथ देख सकते हैं, और हमारी बहुत सारी और भी पिछली बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, उन वीडियो को भी आप वॉच करें और वीडियो के माध्यम से सीखें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।